Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंक्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में. यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया में ये सिंध की लोकेशन है और इसके बाद ये पूरा का पूरा आपका अफगानिस्तान है. सो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग अफगानिस्तान के बारे में भी बात करने वाले हैं. तो बेसिकली सिंध जो है ये इलाका, इसको जीतना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. क्यों ज़रूरी था? बिकॉज यहाँ से ही कोई एंटर हो सकता है इंडिया में. ज़्यादातर इंडिया में जो भी इन्वेशंस होते थे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ही होते थे. तो अगर कोई अगर यहाँ सिंध से एंटर होना चाहेगा तो यहाँ सिंध को अगर इंग्लिश जीत जाएंगे तो वो किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को रोक सकते हैं, किसी भी फॉरेन इन्वेशन को, अटैक को रोक सकते हैं. तो सिंध को कन्क्वेस्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिशें की और काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाया. इसमें इनकी बहुत बेइज्जती भी हुई, इन्हें हारना भी पड़ा, इनकी लड़ाइयाँ भी हुई, बट अल्टीमेटली जो सिंध है वो इन्होंने बाद में जीता. सो जो सिंध का ये कन्क्वेस्ट है इसके अंदर हम लोग उसका पूरा बैकग्राउंड समझेंगे और उसके बाद जानेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के मिसल थे वो कैसे डेवलप हुए और जो पॉलिसी थी रिंग एंड फेंस की वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड सब्सिडरी अलाइंस और इसके अलावा इसके अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो ये जो पूरा ही हमारा कंटेंट है ये आज की क्लास में कवर होने वाला है. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस आप सभी को बताना चाहूँगी अन अकेडमी प्लस के नए बैचेस के बारे में. देखिए गाइज, इस साल भी हमारे कई सारे टॉप जो है ऐसे लर्नर्स रहे हैं जिन्होंने अनअकैडमी से स्टडी करके एग्ज़ाम को क्रैक किया. आप यहाँ ये लिस्ट देख सकते हैं जिसमें सभी टॉप रैंकर्स अनअकैडमी के जिन्होंने एग्ज़ाम को क्रैक किया है. 170 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे अनअकैडमी के जिन्होंने अनअकैडमी की हेल्प से एग्ज़ाम को क्रैक किया. तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बिकॉज अनअकैडमी बेसिकली आपकी सारी ही नीड्स को फुलफ़िल करता है. आपको टॉप एजुकेटर से गाइडेंस भी मिलती है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है, हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल है, डाउट क्लियरिंग सेशन है और करेंट अफेयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको मिलता है. सबसे अच्छी बात यह है कि अभी सब्सक्रिप्शन में 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा विद ऑप्शनल, अगर आप ऑप्शनल के साथ लोगे, और 10% आपको मेरे रेफरल कोड से मिलेगा. माय रेफरल कोड इज़ TOP10. TOP10 के इस रेफरल कोड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो भी डिस्काउंट्स हैं उसके अलावा ऊपर से एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कोड TOP10. साथ ही मैं आपको बता दूं अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जो कॉम्बो है वो भी चल रहा है. वैसे तो पूरा अगर ऑप्शनल प्रीलिम्स मेंस का लेते हैं तो ये 45,000 का होता है, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए 28,000 के अराउंड है. सो अगर इसमें आप चाहें तो 10% विद ऑप्शनल एंड 10% यूजिंग द रेफरल कोड यू कैन ज्वाइन. अच्छा, इसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल भी हमारा शुरू हो चुका है. ऑप्शनल के जो है अलग अलग बैचेस हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं और अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा ऑप्शनल की क्लासेस हमारी चली हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. नए बैचेस यूपीएससी के 21, 22 एंड 23 एस्पिरेंट्स के लिए आ चुके हैं और ये हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी भाषाओं में अवेलेबल हैं. तो अगर आप इसके अंदर आना चाहते हैं तो बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आपके लिए सफिशियंट है, आपके प्रिपरेशन के लिए सफिशियंट है. और साथ ही आप हर संडे यूपीएससी कॉम्बैट भी दे सकते हैं. हर संडे 11 बजे अनअकैडमी कॉम्बैट होता है जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है. देखिए, अगर इस संडे आपने मिस किया भी था तो नो इश्यूज, अभी जो ये कमिंग संडे है इसमें आप ये टेस्ट ज़रूर दीजिएगा. साथ ही ये जो पूरा लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है आप इसके लिए लोन भी अप्लाई कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. बाकी की जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी मुझे लगता है सभी लाइव ऑडियंस हमारी ज्वाइन हो चुकी है. सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे. सो कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है. सबसे पहले गाइस मुझे बताइए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? आई होप इट्स वर्किंग फाइन फ्रॉम योर साइड. यस, हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. तो अभी हम लोग जो है कंक्वेस्ट ऑफ सिंध है जिसे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, दिस वी विल डिस्कस. सो एक एक करके इस तरफ आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले इन दी अर्ली 19th सेंचुरी जो इंग्लिश थे उन्होंने इंटरेस्ट जो है शो करना शुरू किया इन द सिंध. ठीक है, और इसमें इन्होंने काफ़ी हद तक ट्रेड फैसिलिटीज़ को इंजॉय किया. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस.
Now I can see it's working fine. Actually, guys, I thought that there is some technical issue. Just wanted to check that. ठीक है, ऑल क्लियर नाउ। तो देखिए गाइस, सिंध की हम लोग बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये बात शुरू होती है अर्ली 19th सेंचुरी से, ठीक है, जब अंग्रेजों ने स्टार्ट किया टू शो एन इंटरेस्ट इन द सिंध, जहाँ पे ये काफ़ी अच्छी पावर को एंजॉय कर रहे थे और बहुत सारी ट्रेड फैसिलिटीज़ को भी ये लोग एंजॉय कर रहे थे। इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज़ थी जो कि मुगल एम्प्रायर्स थे, जैसे कि ये लोग फरमान देते थे और फरमान दे करके ये लोग इनको ट्रेड करने देते थे। तो अंग्रेज़ों को ना हमेशा से ही यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट था। उनको लगता था कि यहाँ पे अगर उनको ट्रेड फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और थोड़ा और उनको फैसिलिटीज़ मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो मुगल एम्प्रायर 1630 में ही इनको फरमान के द्वारा काफ़ी हद तक फैसिलिटीज़ दे चुके थे और अंग्रेज़ों को बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, जैसे कि जो पोर्ट्स थे सिंध के, वहाँ से ये लोग आराम से ट्रेड कर सकते थे, ज़्यादा इनको टैक्स भी देना नहीं पड़ता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंध का ये जो पोर्ट है ये कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये कितने अच्छे से पूरा अरेबिया से कनेक्ट कर रहा है, देन अफ्रीका से आपको कनेक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो सिंध का पोर्ट बहुत ज़रूरी था। अब अंग्रेज चाहते थे ना कि किसी तरीके से ये पूरा का पूरा उनके काबू में आ जाए, मतलब इसको वो जैसे मर्जी अपने हिसाब से वैसे वैसे यूज़ करना शुरू कर दे। तो कंक्विस्ट ऑफ सिंध देखिए होता कैसे है। सबसे पहले सिंध में जो है, सबसे स्टार्टिंग में जो रूलर्स आए 18th सेंचुरी में, वो थे आपके तालपुरा अमीर्स, ठीक है। अब ये तालपुरा अमीर्स कौन है? ये बहुत बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं और इनके रूल से पहले यहाँ पे कलोरा चीफ्स थे जिनका राज सिंध पर हुआ करता था। फिर 1758 में अंग्रेजों ने अपनी एक फैक्ट्री थट्टा में खोली और इसको जो है इन्होंने स्टार्ट किया, और इसको ये लोग मानते थे कि ये इसीलिए हुआ क्योंकि कलोरा प्रिंस जो है इनका साथ देते थे। तो कलोरा प्रिंस का नाम था गुलाम शाह, ठीक है, और वो जो है इसमें बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। 1761 में गुलाम शाह जो थे, जब उनका अराइवल हुआ तो इंग्लिश रेजिडेंस जो है इनके कोर्ट में आए और इन्होंने ना सिर्फ पुरानी जो ट्रीटी थी उसको रेटिफाई किया, और बल्कि इसके अलावा कहा कि भाई यूरोपियंस जो है वहाँ पे ट्रेड करेंगे ही नहीं। तो यूरोपियंस को फायदा तब तक था जब तक कलोरा प्रिंस गुलाम शाह थे, ठीक है, और जब तक उन्होंने इनको फायदा दिया हुआ था। लेकिन जब तक मतलब चीज़ें ऐसी सही चल रही थी तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने एक रेजिडेंट को जैसे ही इनके कोर्ट में भेजा, इनकी सभा में भेजा, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। गुलाम शाह को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप अपने एक जासूस को एक तरीके से मेरे कोर्ट में भेज रहे हो, तो वो थोड़ा सा चिढ़ गए और गुस्सा होकर के, नाराज़ होकर के उन्होंने यूरोपियंस को निकाल दिया। तो अब क्या हुआ कि ये जो इनको एडवांटेज मिलता था अंग्रेज़ों को, वो 1755 तक मिला, पर अब आगे के जो रूलर्स आए इस सिंध के इलाके में वो अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे। जैसे एक रूलर आए थे सरफराज खान, इन्होंने तो अंग्रेजों को फैक्ट्री तक बंद करने के लिए बोल दिया। इन्होंने बोला कि तुम फैक्ट्री ही यहाँ से बंद कर दो और यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। फिर 1770s में जब बलूच ट्राइब यहाँ पे आई, जो कि तालपुरा के नाम से जाना जाते थे, वो पहले तो पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे, ठीक है, यहाँ पे पूरा जो बलूचिस्तान का इधर का इलाका है, इधर के पहाड़ी इलाकों में रहते थे, और यहाँ से ये लोग पहाड़ी इलाकों से प्लेन एरिया में नीचे आए थे। जब ये नीचे आकर के सेटल हुए और सिंध की प्लेन्स में रहने लगे तो ये बहुत अच्छे सोल्जर्स बने। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ था और हिली एरियाज़ में लड़ाई करना, वॉरफेयर करना इनको आता था, और उसमें ये लोग बहुत अच्छे भी थे। तो ये काफ़ी अच्छे सोल्जर्स थे, देवर एक्सेलेंट, एंड इनको हार्ड लाइफ के बारे में पता था कि कितने मुश्किल में, कितने कम रिसोर्सेज में काम किया जाता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने इतना स्ट्रगल देखा हुआ था ना, कि इन्हें जब प्लेन एरिया में आने का मौका मिला तो ये बड़ी कंफर्टेबल तरीके से आराम से लड़ाई करने लगे और बहुत अच्छे सोल्जर्स के रूप में साबित हुए। अब जो ये तालपुरा अमीर्स हैं, इन्होंने पूरे के पूरे एरिया को अपने हिसाब से मेंटेन करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया तो इन्हें ये बात मालूम थी कि अंग्रेजों की नज़र इनके ऊपर है, ठीक है, और इस चीज़ को ये लोग भी शक की नज़र से देखते थे।
धीरे धीरे अपनी पावर को इस नए इलाके में सिंध में इन्होंने फैलाया। फिर 1783 में जो तालपुरा थे इनके एक लीडर बने जिनका नाम था मीर फतेह। मीर फतेह अली खान जो है इन्होंने सिंध को इतनी अच्छी से होल्ड किया और यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने काम किया कि आप ये मान के चलो कि अब इनके सामने कोई और टिकने वाला नहीं है। इवन जो पहले कलोरा प्रिंस थे ना वो भी एग्जाइल हो गए, चले गए और कोई भी इनको टक्कर देने वाला सिंध के इलाके में नहीं बचा। उसके बाद जो दुरानी मुनाक थे उन्होंने जो है कंफर्म किया क्लेम्स को कि जो मीर फतेह है वो बहुत बढ़िया एक रूलर है और वो सिंध के बहुत बढ़िया तरीके से रूल करने के लिए सही है, सक्षम है। तो मीर फतेह खान जो थे वो इनके साथ काम करने लगे और उसके बाद ये ऑर्डर किया गया कि जो कंट्री है उसको शेयर करें विद हिज ब्रदर्स। कौन कौन ब्रदर्स हैं? मीर के ब्रदर्स थे जिनको चार यार के नाम से जाना जाता था। तो दुरानी मुनाक ये सब क्यों कह रहे हैं भाई? देखो दुरानी मुनाक का मतलब है अफगानी मुराक। ये दुरानी किंगडम जो है वो यहाँ पे हुआ करता था, ये पूरा दुरानी किंगडम हुआ करता था अफगानिस्तान के अंदर। और ये जो मुनाक थे ना ये बहुत पावरफुल थे, ये इस्लामिक रूलर्स में से एक वन ऑफ दी पावरफुल रूलर आप इन्हें कह सकते हैं। तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। तो इन्होंने बोला कि देखो हम लोग जो है तालपुरा अमीर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और मीर फतेह बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं, चलो ठीक है तुम जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो कि अपने इलाके को अपने भाइयों के साथ डिवाइड कर लो। ठीक है, मतलब उनके चार भाई हैं, चारों भाई आपस में डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर लिया। मीर फतेह की मृत्यु हो गई 1800 में। फिर ये जो चार यार थे इनका जो पूरा डिवाइडेड किंगडम था वो इन्होंने अपने अपने इलाके में अपने हिसाब से मेंटेन किया और हर एक भाई अपने आप को अमीर या लॉर्ड कहा करता था, यानी कि सिंध के वो एक तरह से लैंड लॉर्ड की तरह है। अब ये जो अमीर थे ना वो अपना डोमिनियन बढ़ाना चाहते थे और वो सिंध के बाहर जा करके सभी तरफ में अपने आप का विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए सबसे पहले इन्होंने जोधपुर के राजा से अमरकोट को जीत लिया। इसके बाद इन्होंने कराची भी जीत लिया फ्रॉम द चीफ ऑफ ब्लूज। इसके बाद इन्होंने शिकरपुर को और बुक्कर को जीता अफगान से, यानी कि अपने आसपास के जितने इलाके ये लोग जीत सकते थे ना वो एक एक करके इसको जीतने लगे। ठीक है, तो इन्होंने अपना इधर भी इन्फ्लुएंस फैलाया, इधर भी इन्फ्लुएंस बढ़ाया, इधर भी इन्फ्लुएंस बढ़ाया, हर जगह ये अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ाने लगे। अब जब ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे तो लड़ाई तो होगी। एक कॉमन बिलीफ ये माना जाता था 18th सेंचुरी में कि जो नेपोलियन है वो कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है कि वो इंडिया को इन्वेड करेगा। नेपोलियन उस तरह समय में यूरोप की एक बहुत बड़ी राइजिंग पावर था। नेपोलियन अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर कहता था और यूरोपियंस में से फ्रेंच की बहुत अच्छी दोस्ती थी टीपू सुल्तान के साथ। तो ऐसा माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है और टीपू सुल्तान नेपोलियन की मदद करने वाले हैं और नेपोलियन इंडिया में इन्वेशन कर सकता है। ये बात कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को भी खाए जा रही थी। अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर कहीं से नेपोलियन इंडिया आ गया तो अननेसेसरी हेडेक और लड़ाई और टेंशन शुरू हो जाएगी। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत कोशिशें की कि दोबारा से सिंध के साथ अच्छे रिलेशन हो जाए, पहले जैसा व्यापार दोबारा आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो पुराना अलायंस था ठीक है वो इन्होंने तुड़वा दिया था। आपको मैंने बताया था ना जब इन्होंने कोर्ट में अपना जासूस भेजा था तभी से लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो अब क्या हुआ कि जो अलायंस था वो फ्रेंच, टीपू सुल्तान, शाहजमन जो काबुल के मुनाक है, इन तीनों का था। अब इन तीनों से लड़ने के लिए, इन तीनों के खिलाफ कुछ ना कुछ करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी रास्ता ढूंढ रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं किसी भी तरीके से अगर नेपोलियन इंडिया में आ गया तो उनका फिर कोई भी मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, इंडिया में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। कोशिशें की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती है? वो सिर्फ चाहती है कि किसी तरीके से सिंध में उसको एंट्री मिल जाए, सिंध से उनकी दोस्ती हो जाए। नेगोशिएशन करना शुरू किया। फतेह अली खान के साथ इन्होंने नेगोशिएशन किया लेकिन टीपू सुल्तान ने इस बात को संभाला। टीपू सुल्तान के इन्फ्लुएंस में और कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रेडर से जेलेसी थी उसके वजह से सिंध के जो हमारे फतेह अली खान थे उन्होंने बोला नहीं, मैं जो है एक तरीके से ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे एंटी ब्रिटिश पार्टी थे जैसे कि हैदराबाद के अंदर थे और बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, हमें आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी है, आप अपने एजेंट को यहाँ से निकालो और 10 दिन के अंतर्गत
ब्रिटिशर्स को बोला गया कि आप अपने एजेंट को वापस बुलाओ। तो ब्रिटिशर्स का एजेंट था क्रो, ठीक है। वो जो है यहाँ से सिंध से निकल गया, उसकी बहुत बेइज्जती हुई, कंपनी को बहुत इंसल्ट हुई कि यार हम दोस्ती करने के लिए बार बार आगे बढ़ाते हैं हाथ, हम बार बार इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और ये हमें बोलते हैं कि हम तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। है, खुद ही सोचो, यहाँ सामने से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आए जा रही है, और सिंध के लोग जो है इनको बिल्कुल भी आने नहीं दे रहे। इसका कारण भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटेंशन तो हर कोई जानता ही था कि वो लोग कैसे हैं और कितने धोखेबाज हैं, तो ये सब बातें तो समझ में आ ही जाती है लोगों को। और कब तक आप जो है झूठ के सहारे चलोगे, है ना। तो ये सारी बातें हो रही थी। लॉर्ड ऑकलैंड जो है और सिंध, इनके बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। होता क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो गवर्नर जनरल बने इंडिया में 1836 के अंदर, और जब इनको देखते हैं हम कि ये गवर्नर जनरल बने, तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि सिंध को इन्होंने इस पर्सपेक्टिव से देखा कि किसी भी तरीके से अगर सिंध को हमने अपने कंट्रोल में लिया तो इंडिया में कोई भी पॉसिबल रशियन इन्वेशन नहीं हो सकता, इंडिया में कोई नेपोलियन अटैक नहीं हो सकता, इवन इंडिया के अंदर अफगानियों का इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अफगान्स थे ना वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मन ही थे, और अफगानिस्तान की तरफ से रशिया अगर आए तो अटैक करके इंडिया पर जीत हासिल कर सकता है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये प्लान कर रही थी कि सिंध को किसी ना किसी तरीके से जीते। अब जो है ये अपॉर्चुनिटी उन्हें कब मिली, जब रणजीत सिंह जो कि पंजाब के थे उन्होंने सिंध को जीता, और इसमें रोजहान पोटिंगर जो है ये इलाके थे, और इनको जीतने के बाद रोजहान एंड पोटिंगर को जो है हैदराबाद में भेजा गया था एक नई ट्रीटी साइन करने के लिए अमीर्स के साथ। ये जो हैदराबाद है ये पाकिस्तान वाला हैदराबाद है। तो कंपनी के जो ट्रूप्स थे ना उन्होंने कोशिश की कि वो अमीर्स को हेल्प करें, और इस बहाने कि वो उनकी मदद कर रहे हैं सिंध के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। तो बेसिकली रंजीत सिंह जो है वो सिंध पर अटैक करते हैं, और जब सिंध अकेले पड़ जाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हेल्प करने के लिए आ जाती है कि देखो हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है, हमारे साथ तुम ट्रीटी साइन कर लो, हम तुम्हें रंजीत सिंह से बचाएंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे तो सिंध इनको बिल्कुल भाव देता नहीं था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बंदों को नई ट्रीटी साइन करने के लिए भेजा और अपनी तरफ से हेल्प का वादा किया, तो सिंध को भी लगा कि चलो कहीं ना कहीं हेल्प तो मिल रही है। ऐसे तो रंजीत सिंह बहुत तेजी से अटैक कर रहे थे, राजा रंजीत सिंह जो है वो पंजाब से बहुत तेजी से राइज हुए थे, अभी मैं इनकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगी। अब जो कंपनी के ट्रूप्स थे ना वो अमीर्स की कैपिटल को हमेशा चेक करते थे, ठीक है, और वो देखते थे कि कहीं इनके ऊपर कोई अटैक ना हो, लेकिन इनकी पूरी की पूरी जो आर्मी है, कंपनी की आर्मी, वो सारा का सारा एक्सपेंस जो है वो अमीरों से ही लेती थी, यानी कि इन जो तालपुरा अमीर्स थे सिंध के, जो लैंडलॉर्ड्स हैं या आप कह लो जो राजा हैं सो कॉल्ड, उन्हीं से सारा एक्सपेंस लेती थी, और अंग्रेज जो हैं बदले में इन्हें कहते थे कि हम आपको सुटेबल तरीके से हेल्प करेंगे और कंसेशन भी देंगे, हम आपका बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करेंगे। तो एक तरीके से मान लो कि सिंध जो है वो ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्टर बन गया, ठीक है, सिंध जो है वो प्रोटेक्टरेट ही तो बन गया ना, क्योंकि सिंध को डर था कि राजा रणजीत सिंह उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो जब राजा रणजीत सिंह ने जो है कुछ इलाका सिंध में जीता तो सिंध को डर लग रहा था, इसीलिए सिंध ने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अगर दोस्ती कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो 1838 में आखिर सिंध ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में आ गया। अब जो है सिंध ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में, अब राजा रणजीत सिंह देखो क्या करेंगे। राजा रणजीत सिंह और सिखों की कहानी को समझने से पहले हमें जानना होगा शुक्रचकिया मिसल के बारे में और रणजीत सिंह की कहानी के बारे में। तो रणजीत सिंह का जो जन्म है वो 2 नवंबर 1780 में हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ था तो इनका ये पूरा पंजाबी सूबा 12 इंपॉर्टेंट मिसल में बटा हुआ था। आप ये कह सकते हैं ये 12 इंपॉर्टेंट वो ग्रुप थे जो पूरे पंजाबी सूबे को चला रहे थे। इसमें आलूवालिया मिसल था, भांगी मिसल है, दलेवालिया मिसल है, फैजलपुरिया, कन्हैया, करोड़ सिंघिया, नक्कैया, निशानिया, फुलकिया, रामगढ़िया, शुक्रचकिया और शहीद, ये सारे मिसल हुआ करते थे।
इन सारे मिसल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? इनका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो गुरुमत संघ के ऊपर बेस्ड था, और जो भी इनका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो गुरुमत संघ के अनुसार चलता था। अब जो राजा रंजीत सिंह थे वो यहाँ कैसे आए, इस स्टोरी को समझो। कहानी ये है कि महान सिंह जो है वो शुक्रचकिया मिसल के लीडर थे, और महान सिंह के बेटे थे राजा रंजीत सिंह। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये पूरे के पूरे 12 मिसल हैं, इसमें से शुक्रचकिया जो मिसल है वो सबसे इंपॉर्टेंट मिसल थी। इस मिसल के लीडर थे महान सिंह, और महान सिंह के बेटे थे रंजीत सिंह। होता यह है कि महान सिंह की मृत्यु के बाद रंजीत सिंह ने गद्दी को संभाला। उस समय ये केवल 12 साल के थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। एक 12 साल का यंग छोटा सा लड़का है, एक कह सकते हो आप बच्चा है वो, पर वो बच्चा सिर्फ उम्र में है लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। इन्होंने 18 सेंचुरी तक आते आते सारे के सारे मिस्ल के मुकाबले अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, और बाकी सब जो 12 के 12 मिस्ल थे ना वो कमजोर हो गए, वो डिसइंटीग्रेशन हो गया उनका, वो कहीं ना कहीं खो गए, लेकिन शुक्रचकिया मिस्ल अभी भी बना हुआ था। इस समय में होता यह है कि अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो जाती है, यानी कि अंदर ही अंदर एक गृह युद्ध हो जैसा हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो है गद्दी को जीतने के लिए, गद्दी के लालच में, पावर के लालच में बहुत सारे लीडर्स लड़ाई कर रहे थे। तो वहाँ एक पावर स्ट्रगल चल रहा था जो अगले 30 सालों तक चलता है। तो जब ये पावर स्ट्रगल चल रहा था तो नेबरिंग जो रीजन्स थे वो फुल्ली एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे बाय रंजीत सिंह, क्योंकि रंजीत सिंह को मौका मिल गया था अफगानिस्तान के आसपास जितना चाहे वो फैल सकते थे, क्योंकि अफगानिस्तान अपनी खुद की लड़ाई में बिजी था। रंजीत सिंह ने बहुत ही रूथलेस पॉलिसी अपनाई, और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से कहते हैं, जहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से इन्होंने सबको हराया और ज्यादा से ज्यादा इलाकों को काव आउट करके अपना एक नया किंगडम बनाया। तो सेंट्रल पंजाब इस तरीके से राइज हुआ, और 1799 में रंजीत सिंह ने अपने गवर्नर को जो है लाहौर में अपॉइंट किया था, ठीक है, जिनका नाम था जमन शाह। और ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से अफगानिस्तान के रूलर थे, जिन्होंने रंजीत सिंह को बोला था कि तुम लाहौर को संभालो। सो अफगानिस्तान के अंदर जो है जमन शाह जब राजा बने तो उन्हें पता था कि रंजीत सिंह के साथ दोस्ती करने में फायदा है, और रंजीत सिंह काफी पावरफुल भी हैं, इसीलिए रंजीत सिंह जो है इन्हें गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। अब रंजीत सिंह लाहौर के गवर्नर भी बन गए। 1805 में रंजीत सिंह ने जम्मू को भी अक्वायर किया, अमृतसर को भी अक्वायर किया, और लाहौर इस तरीके से उनका पॉलिटिकल कैपिटल बन गया। लेकिन जो उनका रिलीजियस कैपिटल था वो था अमृतसर, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल भी है। तो पंजाब जो है इस तरीके से पूरी तरह रंजीत सिंह के कंट्रोल में आ गया। इस बीच में इन्होंने जो डोगराज थे जम्मू के, उनसे भी बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन किया, और जो नेपलीज थे, ठीक है, उनसे भी बहुत अच्छा इन्होंने जो है मेंटेनेंस किया अच्छे रिलेशन का, एंड इस तरीके से उन्होंने अपनी आर्मी को भी एनलिस्ट किया। अब रणजीत सिंह और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जो प्रॉस्पेक्ट ऑफ ज्वाइंट फ्रांसो रशियन इन्वेशन वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को डरा रहा था। सबको लग रहा था कि फ्रांस और रशिया मिल करके आएंगे और इंडिया पर अटैक कर देंगे, और जो लैंड रूट ये चुनने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और सिंध से होते हुए आता है, इसीलिए अंग्रेजों को बहुत डर लग रहा था। तो 1807 में लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स मेटकैफे को भेजा लाहौर। लाहौर के गवर्नर कौन है? रंजीत सिंह है, बेसिकली लाहौर उनकी कैपिटल बना हुआ है। तो रंजीत सिंह के पास गए और रंजीत सिंह को कहा गया कि भाई आप मेटकैफे का प्रपोजल एक्सेप्ट करो। प्रपोजल क्या है? ये एक ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस है। इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि देखो, अगर कभी भी आपके ऊपर अटैक हो जाएगा और किसी भी तरीके से कोई भी यूरोपियन पावर आएगी तो अंग्रेज उनका साथ नहीं देंगे, अंग्रेज उसमें न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो सिख की अफगानी वॉर हो रही है, तो वैसे अफगानियों का जो है ना रिलेशन बहुत अच्छा था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, पर ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि अगर अफगानी आपके ऊपर अटैक करेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा, हम रंजीत सिंह को कंसिडर करेंगे कि वो पूरे पंजाब के सोवरन रूलर हैं, उनके पास इवन जो मालवा का इलाका है ना, सतलुज नदी के आगे की जो टेरिटरीज हैं वो भी हैं, और रंजीत सिंह एक सोल अथॉरिटी हैं। लेकिन रंजीत सिंह ने बोला मुझे इसकी क्या जरूरत है, तुम मुझे एक्नॉलेज करो या ना करो, मैं तो राजा हूँ, मैंने पूरा पंजाब जीता है, मैंने सब कुछ बनाया है, मैं तुम्हारा प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट करूँ? अगर कल को अफगानिस्तान मेरे से लड़ने आएंगे तो मैं उनको खुद ही हरा दूंगा, मुझे तुम्हारे इस नेगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं है।
आखिर ये नेगोशिएशन फेल हो गया। इसके वजह से पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया। और क्या था कि नेपोलियन के आने का बहुत ज़्यादा खतरा था, अंग्रेजों को बहुत खौफ था कि क्या करें क्या करें, रंजीत सिंह भी हमसे दोस्ती नहीं कर रहा है क्या करें। फिर उन्होंने दोबारा रंजीत सिंह से बात की तो रंजीत सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर पे साइन किया, क्योंकि कहीं ना कहीं रंजीत सिंह भी जानते थे कि अगर कहीं से नेपोलियन आ गया तो दिक्कत तो होगी ही होगी। तो 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी हुई, जिसमें कि ये कहा गया कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है कंपनी के साथ बड़ी सिग्निफिकेंट है। इससे बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिले। सबसे पहले तो रंजीत सिंह का एक जो एम्बिशन था कि वो और ज़्यादा एक्सपैंड करें, अब वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा सिख नेशन तो कर ही रहे थे उसको रूल, पर अब उसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने बाउंड्री चूज कर ली थी सतलुज नदी की। सतलुज नदी अब वो बाउंड्री है जो रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनियन को अलग-अलग करती है। तो सतलुज नदी के ईस्ट में पूरा जो पार्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का है, और सतलुज नदी के वेस्ट में जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पंजाब का इलाका रणजीत सिंह का। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो क्या थी, वो अब क्या कह रही है, एक नई तरफ चीजों को एक तरफ इशारा कर रही है। तो रणजीत सिंह को लगा कि देखो मैं जो है, अब सतलुज नदी है, सतलुज नदी मान लो कि ये सतलुज नदी है, तो यहाँ पे रणजीत सिंह बैठे हैं और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी है। अब ये जो नदी है इसको बाउंड्री माना गया, तो रणजीत सिंह इस नदी को तो क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ट्रीटी हो गई है। तो रणजीत सिंह ऊपर की तरफ गए, ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो रणजीत सिंह को लगा कि थोड़ा सा हम लोग अपना ध्यान और आगे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग मुल्तान को कैप्चर कर लेते हैं, अफगानिस्तान के इलाके में पड़ता है। कश्मीर को इन्होंने 1819 में कैप्चर किया, पेशावर को इन्होंने कैप्चर किया, और दूसरी तरफ ये बढ़ने लगे। तो मतलब रणजीत सिंह ने बोला कि इधर इधर जितना एक्सपेंशन करना है कर लो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ मत जाओ। तो जून 1838 में रणजीत सिंह ने जो है अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस के साथ एक ट्रिपल टाइट ट्रीटी को साइन किया, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पॉलिटिकल तरीकों से सोचने लगे थे। तो ये ट्रीटी क्या है, इसमें अंग्रेज थे एक तरफ, ठीक है, और एक तरफ जो है ये आपके रंजीत सिंह थे, और एक तरफ जो है अफगान अमीर भी थे। तो जब अंग्रेजों ने ये साइन किया तो उन्होंने बोला कि देखो हम तुम्हारे साथ ट्रीटी साइन कर रहे हैं ताकि तुम हमारे साथ हेल्प करो कभी भी लड़ाई हो तो। लेकिन रंजीत सिंह ने ना ब्रिटिश आर्मी को सतलुज नदी से पास होने का एक परमिशन नहीं दिया, ठीक है, तो वो रेफ्यूज कर दिया उन्होंने कि मैं ब्रिटिश आर्मी को पैसेज नहीं दूंगा अपने टेरिटरीज में। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद पर अटैक हो, ठीक है। दोस्त मोहम्मद के साथ थे उस समय में रंजीत सिंह, और राजा रंजीत सिंह जो है वो कंपनी के साथ भी अच्छी दोस्ती मेंटेन करना चाहते थे। तो कंपनी ने बोला कि देखो हमारे साथ रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो तुम कहीं ना कहीं वीक पोजीशन पे अब आ गए हो, तुम जो है अल्टीमेटली क्या कर पाओगे अगर किसी का भी अटैक या इन्वेशन हो गया, अफगानी हो या कोई भी हो, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो 1809 से 1839 के बीच में कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया था कि रणजीत सिंह कंपनी के सामने थोड़े वीक तो हैं, लेकिन वो जानते थे कि मैं वीक जरूर हूँ पर मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि अपने साथ दूसरे भारत के प्रिंसेस को जोड़ूंगा और एक बैलेंस बना करके पावर में रहूंगा। रणजीत सिंह ने बहुत अच्छा बैलेंस बनाया, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई जून 1839 में, तो फिर एक इनके एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सतलुज नदी की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि नहीं अब कौन सी सतलुज नदी, अब क्या, जब रणजीत सिंह ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है। तो इसके बाद इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस शुरू की। पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस क्या है, अगर मान लो कि इस इलाके को हराना है तो उसको हराने से पहले उसके आसपास की सारी टेरिटरीज को अपना दोस्त बना लो। ये काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले उनको घेर लेती थी और चारों तरफ से घेरने के बाद फिर अटैक करती थी। तो ये जो पॉलिसी है ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें नेबरिंग डिफेंस लेकर के अपनी खुद के टेरिटरीज को, अपने खुद के मोटिव को ये लोग पूरा करने की कोशिश करते थे। वॉरेन हास्टिंग की ये पॉलिसी थी, और हमेशा जब भी कोई वॉर होती थी, चाहे मराठास के खिलाफ हो चाहे मैसूर के खिलाफ हो, तो वो सबसे पहले जिससे लड़ना जाना है उसके लड़ने से पहले लड़ाई करने के इलाके में जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको अपने साथ मिला लिया करते थे। तो कंपनी की जो टेरिटरीज थी
इसको सबसे बड़ा डेंजर था अफगान इन्वेडर से और मराठा से, और इसी को सिक्योर करने के लिए कंपनी जो है कहीं ना कहीं डिफेंस ऑर्गेनाइज कर रही थी। अवध के फ्रंटियर में भी इन्होंने किया, और अवध को इन्होंने जो है एक तरीके से वहाँ पे सब्सिडरी अलाइंस साइन करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया। और अवध के नवाब की पोजीशन तो इतनी कमज़ोर थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो तो पूरी आर्मी का भी खर्चा उतार रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। तो ये सारी पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस थी। अवध के डिफेंस में हम ये देख सकते हैं कि जब बंगाल का डिफेंस था तो वो भी इसमें आ जाता है, बिकॉज जब बंगाल को इन्होंने जीत लिया था इन दी बैटल ऑफ बक्सर, तो उसके बाद ही अवध को इन्होंने बफर स्टेट बना दिया था। तो रिंग एंड फेंस सिस्टम में होता ये था कि इनको मिलिट्री सपोर्ट भी मिलता था, और इनको जो है सबसे अच्छी बात ये हो जाती थी कि आसपास के जो नेबरिंग एरियाज हैं वो खर्चा भी दे देते थे। तो ऐसे करके ये लोग एलाय बनाते थे, और इन्होंने बहुत सारी सब्सिडरी फोर्सेस को ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इनके पास अच्छे अच्छे ऑफिसर्स थे, कमांडर्स थे, और सबको बहुत अच्छा पेमेंट ये लोग करते थे। और पेमेंट का पैसा आता कहाँ से था? इंडियन रूलर्स की जेब में से आता था। इसके बाद फिर वेलेस्ली ने एक सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी शुरू की, और वो रिंग एंड फेंस सिस्टम का ही एक विकसित रूप बन करके सामने आया, जिसमें अगर कोई इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन कर ले तो वो पूरी तरीके से कंपनी की आर्मी पर डिपेंडेंट हो जाता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसे हर एक बात माननी पड़ती थी, हर एक दोस्ती और दुश्मनी माननी पड़ती थी। ठीक है, तो जो रिंग एंड फेंस की पॉलिसी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, अब हम लोगों ने ये देखा है कि जो मैसूर है वहां पे क्या हुआ था। इन लोगों ने सबसे पहले मैसूर में क्या किया था, आपको याद होगा, मैसूर को हराने के लिए सबसे पहले हैदराबाद के निजाम और मराठास इन दोनों की हेल्प ली गई थी, ताकि तभी तो मैसूर को हराया गया। नीचे से त्रबंकोर को भी मिक्स कर लिया था। तो ये यही करते हैं, जब भी इन्हें मौका मिलता है तो इनका यही काम होता है कि किसी तरीके से एक एक करके सबको जीत लो और अपने पास कंट्रोल में ले आओ। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सिंध को भी जीत लिया था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें हमने सारी बातों को डिस्कस कर लिया। अब अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अब अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो पूछिए, सो दैट आई आंसर इट। यहाँ तक कोई सवाल, एनी वन? धानवीन आपने पूछा है, मैडम विच ईयर एनसीईआरटी? न्यू एनसीईआरटी, वो कहीं ईयर की नहीं है, न्यू एनसीईआरटी जो है वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अभी हमारे इसमें जो है गाइस एक और क्लास जो है हमारी बच जाती है। ठीक है, वी हैव जस्ट वन मोर सेशन लेफ्ट। ओके, सो जो वन मोर सेशन लेफ्ट हमारा है वो अब हम लोग कल करेंगे, जिसमें हम लोग एंग्लो मराठा वॉर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये जो एंग्लो मराठा वॉर है वो कल सुबह 11 बजे होने वाली है। तो कल सुबह 11 बजे आप सभी जो है मेरे साथ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, कल सुबह 11 बजे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को मैं यही एंड करती हूँ। अंत में आप सभी को दोबारा से याद दिलाना चाहूँगी अन अकेडमी के बैचेस के बारे में, कि आप अन अकेडमी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए चाहे तो लोन ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ये पूरा लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म आप कॉम्बैट दे करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे 11 बजे कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट में क्या होता है, फ्री टेस्ट सीरीज होती है, तो आप इसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। और कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हमारे आ चुके हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सभी बैचेस हमारे पास हैं, और ऑप्शनल के भी कोर्सेज आ चुके हैं। तो अभी अगर टेस्ट सीरीज भी लेंगे तो उसमें भी आपको ऑफर मिल जाएगा, बिकॉज टेस्ट सीरीज की फीस 45,000 से 28,000 कर दी गई है। एक सब्सक्रिप्शन से आप सारी क्लासेस देख सकते हो। वन सब्सक्रिप्शन इज सफिशियंट फॉर ऑल। 25% आपको ऑप्शनल के साथ डिस्काउंट मिल रहा है, और 10% आपको मेरे रेफरल कोड टॉप 10 के साथ मिल रहा है। सो ऑलवेज यूज दिस रेफरल कोड वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ये हमारे नए नए प्राइसेस हैं। अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो समथिंग, अगर इससे रिलेटेड कोई मन में डाउट्स हैं, सवाल हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट।